बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमन। द म्यूजिशियन ऑफ ब्रेमन, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नाउ। बीम, अ लॉन्ग स्टर्डी पीस ऑफ मेटल और वुड यूज टू सपोर्ट द रूफ और फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। इस तरह का एक लंबा मेटल का पीस, धातु का पीस जो कि रूफ़ को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए या फिर फ्लोर किसी बिल्डिंग का, इमारत का बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेमन अ टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक कस्बे का नाम है। ड्राइवन मी आउट है सेंट मी अवे, मुझे दूर कर देना दिया या फिर दूर भेज देना। इन डेंजर नॉट सेफ, खतरे में। मिस्ट्रेस अ वोमेन हु ओन्स आर हैज समथिंग, द फीमेल हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। फीमेल हेड ऑफ अ हाउस होल्ड मतलब ये कि जो खातून होती है या औरत होती है जो घर चलाने वाली। म्यूजिशियन अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा बंदा जो कि चला सकता है, बजा सकता है, प्ले कर सकता है मौसीकी के आलात। ऑनर अ कीपर, द पर्सन हु ओन्स और हैज़ समथिंग, किसी चीज़ का मालिक। पर्च टू रेस्ट ऑन, आराम करना। विच अ वुमेन हु हैज़ मैजिकल पावर्स, एक ऐसी औरत जिसके पास जादुई ताकत होती है। लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डंकी, अ डॉग, अ कैट एंड अ कॉक। हेयर आर द मेन करैक्टर्स इन द प्ले, ये मेन किरदार हैं इस कहानी के, कॉक है, डॉग है, कैट है और डंकी है। A donkey is walking down the road. It looks very sad. कि एक डंकी या गधा जो है वो जा रहा था सड़क के किनारे और वो बहुत उदास नज़र आ रहा था। डंकी, ओ डियर, आई हैव वर्कड ऑन दिस फार्म ऑल माई लाइफ, कि मैंने इस फार्म पर सारी ज़िंदगी काम किया। नाउ आई मस्ट लीव, लेकिन अब मुझे ज़रूर चले जाना चाहिए। माई लाइफ इज़ इन डेंजर, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। माई ऑनर्स, मेरे मालिक से, आई एम यूज़लेस, मेरे मालिक ये कहते हैं कि अब मैं उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहा या मैं बेकार हूँ, बिकॉज क्योंकि आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। आई थिंक आई विल गो टू ब्रेमन एंड बिकम अ म्यूज़िशियन, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ब्रेमन चले जाना चाहिए और वहाँ पे एक म्यूज़िशियन मुझे बन जाना चाहिए। द डंकी लीव द फार्म, डंकी ने या गधे ने छोड़ दिया फार्म को। ही मीट्स अ डॉग, वो एक डॉग या कुत्ते को मिला। डॉग, हेलो ओल्ड डंकी, उसने उसको मुखातब किया, हेलो पुराने या फिर बूढ़े गधे। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डंकी, टू ब्रेमन टू बिकम अ म्यूजिशियन, ब्रेमन जा रहा हूँ मौसीकार बनने के लिए। डॉग, कैन आई कम टू, क्या मैं भी जा सकता हूँ या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? आई एम ओल्डर, कैन नॉट वर्क, मैं बूढ़ा हूँ और काम नहीं कर सकता। माई ऑनर हैज़ ड्राइवन मी आउट, मेरे घर वालों ने मुझे या मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है। डंकी, प्लीज़ कम अलॉन्ग विद मी, वो उसे कहता है कि प्लीज़ मेहरबानी करके तुम भी मेरे साथ आ जाओ। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कैट, वो दोनों चलने लगे यहाँ तक कि वो एक बिल्ली को मिले। कैट, हेलो फ्रेंड्स, कैट ने उन्हें मुखातिब किया, हेलो दोस्तों। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डंकी, टू ब्रेमन, ब्रेमन जा रहे हैं। डॉग, वी आर ओल्ड, हम बूढ़े हैं। एंड आर ऑफ नो यूज़ आर टू एनीवन, और किसी के इस्तेमाल में नहीं। वी आर रनिंग अवे, हम दूर जा रहे हैं या दूर भाग रहे हैं।
आवर ऑनर्स डोंट वांट अस एनी मोर, हमारा जो मालिक है वो हमें और नहीं चाहता या उसे हमारी अब ज़रूरत नहीं है। कैट, आई एम इन ग्रेट डेंजर टू, मैं भी बहुत ख़तरे में हूँ। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ एंड कैन नॉट कैच एनी माइस फॉर माई ऑनर, और मैं अपने मालिक के लिए कोई भी चूहा नहीं पकड़ सकती। यस्टरडे She said she was going to sell me. वो कल कह रही थी कि वो मुझे बेचने जा रही है। टंकी, कम अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ आ जाओ। कैट, थैंक यू आई शेल, वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैं भी आऊँगी। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कॉक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रॉइंग, वो चलने लगे, इकट्ठे चलने लगे यहाँ तक कि वो एक मुर्ग को मिले जो कि बैठा हुआ था एक गेट पर और वो जो है वो क्रॉइंग कर रहा था या अपनी आवाज़ में बोल रहा था। टंकी, डैड्स अ फाइन वॉइस, ये बहुत उमदा आवाज़ है। कॉक, यस आई एम लकी आई एम अलाइव, मैं जी हाँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं जिंदा हूँ। माई ऑनर वॉज गोइंग टू सेल मी, मेरा मालिक मुझे बेचना जा रहा था। डॉग, यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। जॉइन अस एंड बी अ म्यूजिशियन टू, तुम भी हमें ज्वाइन करो या हमारे साथ मिल जाओ और तुम भी एक मौसीकार बन जाओ। कॉक, सर्टनली, वो उसको कहता है यकीनन। द फोर फ्रेंड्स वॉक अलॉन्ग द रोड, चारों दोस्त जो है वो सड़क के किनारे चल रहे होते हैं। इट इज़ गेटिंग डार्क, अब क्या था कि अंधेरा छाने लगा। बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम बर्मन, लेकिन उनके सामने एक लंबा रास्ता था बर्मन जाने के लिए। डंकी, वी कैन नॉट गेट अ ब्रेमन टू नाइट, वी कि हम ब्रेमन आज रात नहीं पहुंच सकते। डॉग, लेट्स स्लीप इन दिस वुड, हमें इस लकड़ी पर सो जाना चाहिए। कैट, हेयर इज़ अ बिग ट्री, यहाँ पर एक बड़ा दरख्त है। आई कैन स्लीप इन ऑन अ ब्रांच, मैं वहाँ किसी शाख पर या उसकी किसी जो है वो टहनी पर सो सकती हूँ। कॉक, एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, और मैं आराम कर सकता हूँ सबसे ऊंची शाख पर। डॉग, एंड द डंकी एंड आई कैन लाई नियर आ नियर द ट्रंक, के डॉग कहते हैं कि एंड द डंकी एंड आई, के मैं और जो डंकी है गधा है वो लेट जाएंगे एक ट्रंक, ट्रंक क्या होता है जो ट्री का नीचे वाला हिस्सा होता है उसके करीब। कॉक फ्राम द टॉप ऑफ द ट्री, कॉक या मुर्ग जो है एक बहुत ऊंचे दरख्त की पर चढ़कर या वहाँ से, देयर इज़ अ लाइट नॉट फार अवे, वो कहता है क्योंकि वो ऊंचाई पर है तो उसको आसपास की चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे लाइट है जो बहुत दूर नहीं है। इट लुक्स लाइक अ हाउस, और ये एक घर की तरह लग रहा है। डंकी, हुर्रा, परहैप्स देयर विल बी सम फूड देयर, वो खुश होता है कि यकीनन वहाँ कुछ खाने के लिए खुराक भी होगी। डॉग, लेट्स गो एंड सी, चलो चलते हैं और देखते हैं। दे वॉक टू द हाउस एंड लुक थ्रू द विंडो, वो सारे उस घर की तरफ जाते हैं और विंडो या खिड़की से देखते हैं। डंकी, देर आर फोर रॉबर्स इन द रूम, रॉबर्स जो डाकू होते हैं। डंकी कहता है कि कमरे में चार डाकू हैं। दे आर सिटिंग राउंड अ टेबल फुल ऑफ फूड, वो बैठे हुए हैं एक मेज़ के आसपास जो कि भरा हुआ है खुराक से या खाने से। डॉग, वी मस्ट फ्राइटन देम अवे, हमें ज़रूर इनको डरा कर भगा देना चाहिए। द डॉग स्टैंड ऑन द डंकीज़ बैक, कुत्ता जो है वो खड़ा हुआ है डंकी के या गधे की बैक पर। द कैट क्लाइम्ब ऑन टू द डॉग एंड द कॉक परचेज ऑन द कैट, द कैट क्लाइम्ब्स टू द डॉग, बिल्ली जो है वो कुत्ते पर छलांग लगाती है। एंड द कॉक परचेज ऑन द कैट, और जो मुर्ग है वो बिल्ली के ऊपर चढ़ता है। जैसे यहाँ पे तस्वीर में देखें कि नीचे जो बड़ा है डंकी है वो है, उसके ऊपर डॉग है, डॉग के ऊपर क्या है कैट, और कैट के ऊपर कॉक है, और ये सारे विंडो से अंदर देख रहे हैं।
दे बिगेन टू सिंग लाउडली, उन्होंने बहुत ऊंचा गाना शुरू कर दिया. देन दे ऑल फॉल थ्रू द विंडो, तब वो सारे जो हैं वो खिड़की से गिरे. द फ्राइटेंड रॉबर्स रन अवे, जो खौफजदा डाकू थे वो भाग निकले. रॉबर्स रन रन बिफोर वी आर कॉट, भागो भागो इससे पहले कि हम पकड़े जाएं. द फोर फ्रेंड्स ईट द फूड ऑन द टेबल, जो चारों दोस्त थे उन्होंने मेज़ पर खाना खाया. देन द डंकी लाए डाउन इन द यार्ड, द डॉग लाइज ऑन अ मैट, द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ. इसके बाद मतलब ये कि डाकुओं को भगाकर चारों दोस्तों ने टेबल पर खाना खाया. उसके बाद जो है वो डंकी जो था वो सेन में लेट गया, जो डॉग था वो एक मैट पर लेट गया, और जो बिल्ली थी वो एक रास्ते के सामने लेट गई. एंड द कॉक परचेज ऑन अ बीम, और जो मुर्ग था उसने एक बीम पर या एक जो सिल सी वहाँ पे पड़ी हुई थी उस पर उसने आराम किया. दे आर सून फास्ट स्लीप, वो सारे जल्द ही गहरी नींद सो गए. द रॉबर्स केम बैक, जो डाकू थे दोबारा वापस आए. वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल, एक जो डाकू था उसने देखी मैच माचिस को देखा कि वो कैंडल को जलाए या उसे वो रोशनी करे. सडनली द कैट स्पिट्स ऑन एट हिम, अचानक से जो बिल्ली थी वो उस पर चपटी. एंड स्क्रैच्ड हिम, और उसने उसको खराशें उसको डाली या उसको उसने नोचा. द रॉबर स्ट्रिप्स ओवर द डॉग, और जो रॉबर था जो डाकू था वो कुत्ते के ऊपर जा गिरा. द डॉग बाइट्स हिम, कुत्ते ने उसको काट लिया. देन द डंकी किक हिम, तब डंकी ने उसको किक मारी. एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रो, और जो मुर्ग था उसने जो है वो अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया. द रॉबर रन्स टू जॉइन हिज फ्रेंड, जो डाकू था वो भाग गया अपने दोस्तों से मिलने या उन तक पहुंचने के लिए, वो वहां से भागा. व्हाट हैपेंड रॉबर्स, व्हाट हैपेंड, डाकू ने पूछा क्या हुआ. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. रॉबर वन, जो रॉबर गया था वहां से देखने के लिए, उसने कहा देयर वाज अ टेरिबल विच इन द हाउस, एक बहुत खौफनाक जो है वो चुड़ैल थी उस घर में. शी स्पैट एट मी एंड स्क्रैच्ड मी, वो मेरे पर झपटी और उसने मुझे अपने मतलब स्क्रैच किसी चीज़ को जो है वो खरोच मारी. देन अ मैन बिहाइंड द डोर कट माई लेग विद अ नाइफ, तब दरवाजे के पीछे जो आदमी था उसने मेरी टांग काटी. देन अ मॉन्स्टर हिट हिम मी, और तब एक मॉन्स्टर जो था बहुत बड़ा दियो कामत जो एक ब्लासी होती है उसने मुझे हिट किया. एंड अ डेविल स्क्रीम्ड एट मी, और फिर एक जो जिन था वो जो है मेरे पर वो चीखा. और ये सारे कौन थे, ये वो एनिमल्स थे जो जैसे कि उसको डंकी ने मारी थी, और गाना जो है वो अजीब सी आवाज़ में वो मुर्ग ने गाया था, और बिल्ली ने उसको खराशें उसके मुंह पर डाली थी या उसको जो है वो उसने अपने पंजों से ज़ख्मी किया था. रॉबर्स, जो डाकू थे, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्राम डैट हाउस, ये बेहतर है कि हम उस घर से दूर रहें. द फोर म्यूजिशियंस डिड नॉट गो टू ब्रेमन, चारों जो म्यूजिशियन या मौसीकार थे वो ब्रेमन ना गए. दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन द हाउस, और वो हमेशा उसी घर में खुशी से रहने लगे.